गुड मॉर्निंग, मैं अरुण जैन फ्रॉम स्वास्थ्य का कंसल्टिंग एंड कंपनी, शांति मोहल्ला, गांधीनगर, न्यू दिल्ली। आज का टॉपिक 23rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो कि 10th ऑफ नवंबर 2017 को हुई थी, उसमें क्या क्या रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिए हैं। काफ़ी अच्छे रिलैक्सेशंस एक्सटेंडेड टू ऑल द टैक्स पेयर। स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम जीएसटी रिटर्न्स के रिगार्ड में क्या चेंजेस हुए उसकी बात कर लेते हैं। जीएसटी R3B अब सभी टैक्स पेयर को मार्च 2018 तक फाइल करना होगा। अभी दिसंबर 17 तक थी रिक्वायरमेंट, इसे और एक्सटेंड कर दिया बाई 3 मंथ। जीएसटी R1 किसे फाइल करना होगा और कब फाइल करना होगा और उसकी ड्यू डेट क्या है, बात करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया, कैटेगरी वन या कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वो लोग आते हैं जिनके टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जीएसटी R1 की, क्वार्टरली। कैटेगरी बी, अगर आपके टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है देन आपको मंथली जीएसटी R1 फाइल करना होगा। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट्स। अगर कैटेगरी ए की बात करता हूँ, टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है देन आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। क्वार्टर वन जुलाई से सितंबर तक का, आपको 31 दिसंबर 2017 तक फाइल करना है। मोस्ट ऑफ द केसेज में जुलाई का जीएसटी R1 जा चुका है। इवन तो गवर्नमेंट ने अपडेट 31 दिसंबर 2017 दी है। अक्टूबर टू दिसंबर जो कि नेक्स्ट क्वार्टर है, 15th फेब तक फाइल करना है एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर जैन टू मार्च 2018 को कब तक फाइल करना है, 30th अप्रैल 2018 तक फाइल करना है। अब मैं कैटेगरी बी में आता हूँ। कैटेगरी बी का मतलब टर्नओवर जिसकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली रिटर्न्स। ड्यू डेट्स क्या है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की रिटर्न्स 31 दिसंबर 2017 तक फाइल करनी है। फाइल मंथली करनी है, ऐसा नहीं कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की आपकी एक साथ जाएगी, नहीं, इंडिविजुअली 4 महीने की रिटर्न्स की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नवंबर, इसकी ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ जनवरी 2018। उसके बाद में दिसंबर 17 की रिटर्न कब जाएगी, 10th ऑफ फेब 2018 तक। जनवरी 18 की 10th ऑफ मार्च, फरवरी 18 की 10th ऑफ अप्रैल एंड मार्च 18 की 10th ऑफ मई 18 तक जाएगी। क्लियर, ओके। जीएसटी R2 एंड जीएसटी R3 के बारे में क्या बोला गया, द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग जीएसटी R2 एंड जीएसटी R3 फ्रॉम जुलाई टू मार्च 18 वुड बी वर्कड आउट बाई द कमिटी ऑफ ऑफिसर। अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया रिगार्डिंग द ड्यू डेट्स, रिटर्न फाइल करना या नहीं करना वो भी क्लैरिफाई नहीं किया। एक अच्छा पॉइंट, अभी हमें करंट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम अगस्त का जीएसटी R1 फाइल करना चाहें तब भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि नॉर्मली हमें मालूम होता है कि जब तक प्रीवियस मंथ की रिटर्न्स क्लोज नहीं हो जाते सारी, यू कैन नॉट फाइल दी सब्सिक्वेंट रिटर्न्स। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है और ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया कि जीएसटी R1 नाउ यू कैन फाइल द जीएसटी R1 फॉर द एंटायर पीरियड विदाउट फाइलिंग ऑफ द जीएसटी R2 एंड जीएसटी R3 फॉर द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस पीरियड। क्लियर, सो मैं ये बोल सकता हूँ आप अब अभी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सभी जीएसटी R1 को। नेक्स्ट चेंजेस, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहता हूँ। कंपोजिशन स्कीम, मैं जानता हूँ कि मैन्युफैक्चरर अगर कंपोजिशन स्कीम लेता था तो उसे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता था, 2%। नाउ उस टैक्स रेट को रिड्यूस करके 1% कर दिया। ट्रेडर पहले भी 1% था, अभी भी 1% है। रेस्टोरेंट कोई भी चेंजेस नहीं है, ये भी 5% है इसके ऊपर, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स की रेट। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर अप टू ₹5 लाख पर एनम विल बी अलाउड बाय एग्जेम्प्टिंग द सेम। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी की लिमिट बढ़ा के 1.5 करोड़ रुपए पर एनम कर दी गई है फॉर कंपोजिशन डीलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जेम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी एडेड इन द टोटल टर्नओवर फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्सेस। साहब कंफ्यूज मत होना, एग्जेम्प्ट सप्लाई को हर जगह से नहीं हटाया गया है, सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन के लिए विल नॉट बी एडेड इन द टोटल टर्नओवर। पहले क्या था, जैसे सपोज कंपोजिशन डीलर है तो कन्फ्यूजन था कि मेरे को 1% जो टैक्स पे करना है टोटल टर्नओवर के ऊपर, क्या उसमें अगर मैं कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है मेरी उसको भी ऐड करना है, तो माई आंसर वुड बी यस। बट नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई हटा के जितनी टर्नओवर है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर,
नाउ GSTR 4 जिसकी ड्यू डेट और एक्सटेंड हो गई है, अब ये 24 दिसंबर 2017 है, हमारे पास में काफ़ी टाइम है। लेट फीस के रिगार्ड में डिस्कशन करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने लेट फीस के रिगार्ड में क्या वेवर दिया है, क्या रिडक्शन किया है। आपको मालूम होगा GSTR 3B जुलाई के पहले ही माफ़ कर दी थी 3B की लेट फीस, और अगस्त 17 की वेव ऑफ कर दी थी, लेकिन अगस्त की काफ़ी लेट वेव ऑफ की थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने रिटर्न जो फाइल किया वो बाय डिपॉजिटिंग दी लेट फीस किया, गवर्नमेंट ने बाद में कहा ये लेट फीस रिफंड हो जाएगी। दिमाग में एक कन्फ्यूजन था कि जो लेट फीस रिफंड होगी क्या वो फीस के हेड में होगी या टैक्स के हेड में होगी, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है दोस्तों कि अगर फीस के हेड में होगी तो आई कैन नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट अदर देन फीस, और अगर ये टैक्स हेड में होगी तो आई कैन फ्रीली यूटिलाइज इन दी सब्सिक्वेंट मंथ अगेंस्ट माई एनी टैक्स लाइबिलिटी। सो गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर चुकी है अब कि इट विल बी रिक्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर टैक्स हेड इंस्टेड ऑफ द फीस हेड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द अंडर स्टेज एंड इट विल बी रिक्रेडिटेड वेरी सून। लेट फीस फ्रॉम अक्टूबर 17 को रिड्यूस कर दिए गए, अगर आपके टैक्स लाइबिलिटी नील है तो जो पहले 200 रुपये लगती थी पर डे की उसको घटा के 20 रुपये पर डे कर दी गई है। 20 रुपये पर डे का ब्रेकअप क्या है, 10 रुपये अंडर CGST एंड 10 रुपये अंडर SGST। क्लियर। अब हम 2 मिनट बात कर लेते हैं रेट्स में रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, GST रेट्स को काफ़ी रिड्यूस किया, विल डिस्कस शॉर्टली। पहला रिडक्शन क्या है, 178 आइटम को घटा के 28% से घटा के 18% कर दिया है। फॉर एग्जांपल वायर्स, केबल, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, मेकअप, AC, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, फायर एक्सटिंग्यूशर, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा, 28 से घटा के 12% किया है। दो आइटम, एक तो ग्राइंडर कंसिस्टिंग ऑफ द स्टोन एज ग्राइंडर एंड टैंक्स फाइटिंग व्हीकल्स, इन सब के इनके ऊपर रेट 28 से 12 कर दिया। एक कैटेगरी 18 से 12% कर दिया गया, वो उसमें क्या है, कंडेंस्ड मिल्क, रिफाइंड शुगर, शुगर क्यूब। ध्यान रखना मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, सारे आइटम लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे। 18 to 5% 13 आइटम का किया, लाइक चिक्की, रेवड़ी, चटनी पाउडर, फ्लाइस एटसेट्रा। नेक्स्ट चेंजेस 12% से 5% 8 आइटम का किया, इसमें कोकोनट, इडली, डोसा, बटर एटसेट्रा। 5% से 0% कर दिया, इसमें 6 आइटम इंक्लूड है, लाइक गोरमिल, हॉपकॉर्न, सर्टेन ड्राइड वेजिटेबल एटसेट्रा। अदर्स में बोला है कि एयरक्राफ्ट इंजन जिसके ऊपर कुछ कैटेगरी में 28 था, कुछ में 18% था, उनको घटाकर 5% कर दिया है। एयरक्राफ्ट टायर्स के ऊपर 28 से 5, एयरक्राफ्ट सीट्स के ऊपर 28 से 5, बैंगल्स 3% से नील रेट कर दिया है। क्लियर। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर। रेस्टोरेंट सर्विस में काफ़ी कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग AC है तो रेट अलग है, नॉन AC है तो अलग है, AC की डेफिनेशन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन था। सो नाउ गवर्नमेंट क्लैरिफाई कि आपका रेट 5% लगेगा विदाउट ITC इररेस्पेक्टिव ऑफ द एयर कंडीशन, ऑल स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट नो मैटर एयर कंडीशन और अदरवाइज विल अट्रैक्ट 5% विदाउट ITC। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मेरी कॉस्ट कम भी होगी इससे, कॉस्ट कम भी होगी। अगर जैसे मान लो मैं अगर खाने के लिए कोई भी रेस्टोरेंट बुक करता हूँ, अपने कंपनी की कोई मीटिंग करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वहाँ पे 18% लगाते थे, कुछ टैक्स लगाते थे जिसका मैं इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाता था। सो नाउ द रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू 5%। फूड पार्सल भी सेम 5% विदाउट ITC टैक्स कैरी करेगा। टैरिफ के रिगार्डिंग बोला, अगर रूम की टैरिफ आपकी 7500 रुपये पर डे पर यूनिट से कम है तब आपके ऊपर GST की रेट कितनी लगेगी, 5% विदाउट ITC। और अगर टैरिफ की रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 7500 पर यूनिट पर डे है तब आपकी 18% GST की रेट होगी बट विद फुल ITC। नेक्स्ट पॉइंट, आउटडोर कैटरिंग विल कंटिन्यू टू बी एट 18% विद फुल ITC। क्लियर। लास्ट पॉइंट, मैं सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ बेनिफिट दिया गया है वो उसका डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू नेपाल एंड भूटान
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू नेपाल एंड भूटान ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका था जीएसटी से। साथ में एक पॉइंट एडिशनल ये बोला गया है कि सच एक्सपोर्टर विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस टू नेपाल एंड भूटान। क्लियर, अब वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं तो अर्लियर मेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना था पड़ता था, अब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया कि अगर आपके टर्नओवर एक्सीड नहीं करते 20 लाख से देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशंस। नाउ जो पॉइंट इस जीएसटी काउंसिल में रिलैक्सेशन दिया वो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था, नाउ गवर्नमेंट हैज सी गिवन द रिलैक्सेशन कि दैट अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करती है कितने से वो 20 लाख से देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशंस इवन दो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। क्लियर, नाउ आई कैन कंक्लूड कि ऑल सर्विस प्रोवाइडर वेदर सप्लाइंग इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में और थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड देयर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 20 लाख। क्लियर, आई होप आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर हुए, आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एक्चुअली फॉर अपलोडिंग द सब्सिक्वेंट वीडियोज एंड क्लिक ऑन माई सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ यू विल गेट नोटिफाइड इमीडिएटली। थैंक यू वेरी मच।